हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिएटिव पी यू। और आज का जो वीडियो है वो होने वाला है रेजिन ओशन आर्ट के ऊपर। आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कि रेजिन ओशन आर्ट कैसे कर सकते हैं इजीली स्टेप्स में, और साथ ही साथ उससे ये प्यारी सी बेबी फ्रेम बनाना भी सिखाऊंगी। और लास्ट में जो हमारा स्पेशल पार्ट रहेगा कि आप मटेरियल्स कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी इसमें ऐड रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इस तरह का 8 इंच का राउंड शेप वाला मोल्ड ले लिया है, आपके पास जो अवेलेबल है आप ले सकते हैं। फिर मैंने ये LED लाइट्स कॉर्क लाइट ली है, उसको भी इसके अकॉर्डिंग शेप में राउंड शेप में कर दिया और इसे रख दिया है इसमें। फिर यहाँ पे बेस में मैंने बहुत सारे शेल्स लगा दिए हैं और रेजिन में ब्लू इंक मिक्स करी है एक्वा ब्लू कलर की, और उसे बेस में लगा दिया है ताकि ये एकदम पानी जैसा दिखे। उसके बाद टॉप पर हम डार्क शेड में ब्लू ले रहे हैं और ये थोड़ा सा ग्लिटरी भी है, इसे हम ऊपर साइड पर भी ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास रेत सैंड भी है तो वो भी आप इसे बॉटम में ऐड कर सकते हैं। बीच वाले पार्ट में हम वाइट कलर यूज़ करेंगे, तो ये वाला पर्ल वाइट है, पहले हम पर्ल वाइट यूज़ कर रहे हैं और वेव्स बनाने के लिए हम नॉर्मल वाइट यूज़ करेंगे। ये पूरा मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, मैं किसी को फॉलो नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपने तरीके से बता रही हूँ कि कैसे मैं ये बनाती हूँ। फिर इसे हम छोड़ देंगे थोड़े कुछ घंटों के लिए, और जब ये ड्राई हो जाएगा 80%, इसके ऊपर हम काम चालू कर सकते हैं। तो ये मैंने रेजिन के अंदर वाइट कलर को मिक्स कर लिया है, प्योर वाइट को, और उससे यहाँ पर हमने वेव्स बना लिए हैं। यहाँ पर आप 3 से 4 भी बना सकते हैं, और ऊपर की साइड क्लियर रेजिन डाला है ताकि जब इसके ऊपर स्ट्रॉ से ब्लो करेंगे तो एक अच्छी सी वेव फॉर्म होगी। तो ये देखिए, अब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एक पेन की बॉडी, आप स्ट्रॉ भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इससे काफ़ी छोटा एरिया होता है, इसलिए मैंने ये यूज़ करी है। और कुछ इस तरह से हमें इसके ऊपर फूंक मारते जाना है, तो ये वेव्स ऐसे क्रिएट होती दिखाई देंगी। मैंने थोड़ा सा और कलर ऐड करा है। अब ये थोड़ा पेशेंस का काम है, हो सकता है थोड़ी देर आप इसे रख देंगे तो वेव्स वापस सैचुरेट हो जाए, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। फिर ये जब ड्राई हो गया अगेन 5 से 6 घंटे में, तो हमने इसके ऊपर फ़ोटोज़ और नेम बाकी की डिटेल्स ऐड करनी शुरू करी है। इसके लिए मैंने यहाँ पर टैकी ग्लू यूज़ करा है, और ये इसलिए यूज़ करा है कि जब हम फाइनल लेयर डालते हैं रेजिन की, तो ये बाकी सारी चीज़ें जहाँ इनकी जगह हमने फ़िक्स करी है वहीं पर रहे। लेयर डालने के बाद ये सब अलग अलग प्लेस पर ना हो जाए, ओवरलिप ना हो जाए, इसलिए मैंने इनको ग्लू से पहले ही इसके ऊपर चिपका दिया है। और जो बाकी की डिटेल्स हमें बताई गई थी, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ टाइम, वो सब भी हमने इसके ऊपर ऐड कर दिया है लास्ट में, क्योंकि हमने ओशन आर्ट बनाया है तो यहाँ पर जो ओशन के अंदर जो क्रिएचर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको भी मैंने प्रिंट करवा लिया था और उनको भी ऐड कर दिया ताकि इसका लुक बिल्कुल वैसा ही आए और काफ़ी क्यूट सा लगे, क्योंकि ये एक बच्चे के लिए है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे सब कुछ चिपका दिया है, लास्ट एक और बचा है, इसे भी लगा देते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर फाइनल लेयर डालेंगे और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गए सारे अटैच, और अब हम इसके ऊपर फाइनल लेयर डाल देते हैं क्लियर रेजिन की। और उसके लिए हम यहाँ पर सारे एरियाज़ में अच्छे से डालेंगे, खासकर जो इसके कॉर्नर्स है उसके ऊपर, और पूरा इस तरह से कि लेवल एकदम बराबर रहे, कहीं से भी कुछ भी मोटा या पतला ना रहे, सारे तरफ से लेवल एक जैसा रहे। उसके लिए मैं इसे स्पून से और स्पेसिफिक तरीके से स्प्रेड करते जा रही हूँ। नाइट छोड़ देते हैं, तो उसके बाद ये कुछ इस तरह से रेडी होता है। इसके कॉर्नर से मैंने गोल्डन कलर से और डिटेलिंग कर दी है। तो ये हमारा ओशन आर्ट बेबी का फ्रेम रेडी है। इसके ऊपर मैंने लाइट्स भी ऐड करी थी, जो कि अभी धूप में तो विजिबल नहीं है पर नाइट में काफ़ी सुंदर लगेंगी। और ये हमारा फ्रेम बनके तैयार है। मैंने भी इसे फर्स्ट टाइम में बनाया। अगर आपको रेजिन बेसिक तरीके से आते हैं तो आप भी इसे बना सकते हैं। तो मटेरियल की बात करें तो ये मैंने मंगाया है मोनिका हनी सजते रेजिन आर्ट से। मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि इनकी प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल है। मैंने इतने सारे जगहों से मंगाया पर कहीं की भी प्राइस इतनी अफोर्डेबल नहीं थी। तो आप अभी अगर शुरू ही कर रहे हैं या आपको ट्राई करना है तो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट मैसेज करिए, व्हाट्सअप करिए, या आपको अपना जो भी है कैटलॉग शेयर कर देंगे। इनका प्राइस सच में काफ़ी कम है,
तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप यहाँ से परचेज़ करें। मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मंगाई है, स्पेशली इस वाले प्रोजेक्ट में जो कुछ भी यूज़ हुआ है सब यहीं से मंगाया है। सो दैट्स इट, आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और आपको नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए आप ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।